अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम एक प्रोडक्ट के पेज के अंदर अपनी डायनेमिक फील्ड्स कैसे ऐड करा सकते हैं एक प्लगइन की मदद से वू कॉमर्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकल उस पे आएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों हमारा रैंप ऑन हुआ है, अपना सर्वर हमने ऑन करा हुआ है और ये हम आ गए हैं डैशबोर्ड के अंदर। दोस्तों अभी हम दो प्लगइन यूज करेंगे, मतलब दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही है लेकिन दोनों प्लगइन अलग हैं। और ऐड न्यू प्लगइन्स में आएंगे, प्लगइन का नाम है दोस्तों एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस जो कि फ्री है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको हमारी नई वीडियो मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। ये हमारे पास एक प्लगइन ये है दोस्तों और एक प्लगइन ये है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस है दोस्तों और प्रोडक्ट एडॉन्स फॉर वो कॉमर्स। इन दोनों को हम एक्टिवेट कर लेंगे। इसी तरह हमने क्या किया, ऐड न्यू पे गए दोस्तों और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। दूसरे प्लगइन का नाम है दोस्तों प्रोडक्ट एडवांस फॉर वू कॉमर्स, इसको भी एक्टिवेट कर लेंगे दोस्तों। दोनों प्लगइन दोस्तों एक्टिवेट हो चुके हैं। एक प्लगइन की सेटिंग यहाँ है, दो वू कॉमर्स के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऐड प्रोडक्ट एड ऑन एक ये है और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एड ऑन। पहले कस्टम प्रोडक्ट एड ऑन वाले पे देखते हैं फंक्शनलिटी क्या है। दोस्तों ये सिंपली इसमें मैं ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है कि फॉर्म करो, फॉर्म वन हमने नाम दे दिया एक, ठीक है दोस्तों। इसमें फ़ायदा ये वाले इसमें प्लगइन में एक फ़ायदा ये है कि जैसे कि हमने टी शर्ट्स कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, ये इस पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम से कर सकते हैं इजीली, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। रिक्वायर्ड कर दी लेबल का नाम हमें जो देना है दे दें। अगर ये देखिए फील्ड वन रख दें इसका नाम हम, ठीक है इसमें चीज़ें लगी हैं पहले से, वैल्यूज रख दिया हमने, वेबसाइट ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो फील्ड देनी है टेक्स्ट फील्ड, कलर के लिए है या टेलीफोन नंबर के लिए, पासवर्ड के लिए, जो आपको सेट करनी है वो सेट कर सकते हैं। टेस्ट फील्ड सेलेक्ट कर दिया हमने, लेंथ दे दी सही है दोस्तों, और इस फील्ड को हम इस तरह कर लेंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। इसी तरह हमने एक टेक्स्ट एरिया ले लिया सही है, और हम इसको एक काम करते हैं सेलेक्ट में सिंपली इसने तीन ऑप्शन दे दिए, इसको मजीद एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड यानी कि मस्ट, रिक्वायर्ड का मतलब ज़रूरी है कि ये फील्ड चेकबॉक्स लगी हो, मानी के फिल हुई भी हो, सेलेक्ट हुई भी हो, वरना अदरवाइज ऑप्शनल भी हो सकती है। ये प्लेस होल्डर में प्लेस होल्डर दे सकते हैं, सेलेक्ट में पहले मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा हो सेलेक्ट आ रहा हो, या अपनी मर्जी आपको जो देना है ऑप्शन 1 2 3, जो आपको ये वैल्यू है इसकी और ये आपको और नाम है। यहाँ पे आपने दे दिया वेबसाइट 1 2 3, ठीक है दोस्तों। और ऐड मजीद फील्ड ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। इसी तरह दोस्तों डेट की फील्ड देनी है, हम डेट की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं इसमें और इसको एडिट करना है, मजीद एडिट कर सकते हैं इसमें और काम कर सकते हैं, चीज़ें वैल्यू देने हैं या प्लेस होल्डर देना है आपको। इसी तरह हम नंबर दे सकते हैं दोस्तों, नंबर की फील्ड ठीक है। इसी तरह हम दोस्तों रेडियो बटन, रेडियो भी दे सकते हैं, रेडियो की फील्ड दे सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह पैराग्राफ दे सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ फ्रंट से आपको टेक्स्ट दे सकते हैं। अभी इसलिए आपको डिफॉल्ट देना हो तो डिफॉल्ट दे दें, यहाँ पे पी देना है या एड्रेस देना है, ये एचटीएमएल की टाइप्स हैं एलिमेंट्स की, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको रखना है यहाँ पे ठीक है। इसी तरह हेडर इनपुट देना है, मतलब ये फील्ड पीछे से हाइड हुई होगी, वो फील्ड होती है आपकी। और हम दोस्तों अब इसको सेव कर लेते हैं और उसको प्रोडक्ट में देखते हैं कैसे शो कराना है। हम सिंपली प्रोडक्ट में आए, फॉर्म वन हमारा था, हमने इसको एडिट करा और ये कस्टम प्रोडक्ट ऑप्शन बोल रहा है मैंने ऐड करने को, हमने ये ऐड कर लिया दोस्तों और इसको हमने करा दिया सेव ठीक है। ये कह रहा है
हाँ ग्लोबली असाइन फॉर्म, नहीं ग्लोबली असाइन नहीं करना, हम इसके प्रोडक्ट पे गए, सिंपली इस प्रोडक्ट का व्यू करो, हमारे ये फील्ड यहाँ पे आ जाएंगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों वेबसाइट की फील्ड दी थी हमें, हमने थोड़ी डमे में कोई और चीज़ नहीं दी, देखिए सारी चीज़ें नीचे आ गई यहाँ पर, और ये टॉप पे फील्ड आ गई, ये वेबसाइट आ गई, ड्रॉप डाउन आ गया, ये डेट आ गई, ये ऑप्शन आ गया, जो आपको ऑप्शन रखने मर्जी से नंबर देने हैं नंबर दे दें, ये पूरा आपके ऐड टू कार्ट जो एक प्रोडक्ट परचेज होगा उसके बेस पे ये पूरा आपका ये सारा डाटा आपका कस्टमर यहाँ से जो देना चाहेगा वो सारा डाटा आपको उसको उसके पास चले जाएगा। ये क्या कह रहा है, हाँ व्यू कार्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं यहाँ से पुरानी प्रोडक्ट्स को, और हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये सारा चेकआउट फॉर्म पे तो एरर आ रहा है, थीम का एरर आई थिंक दोस्तों। तो ये हमने प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट इसका हो गया, तो इसका ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम ऑर्डर्स में आते हैं, स्टोर फ्रंट की थीम में आई थिंक दोस्तों एरर है, ये पुरानी थीम चली इस वजह से एरर आ रहा है, वो सारी डिटेल हमारे पास यहाँ आ जानी चाहिए जो कि नहीं आई हैं, बल्कि आ गई हैं दोस्तों। ये देखिए ये सारी डिटेल जो हमने फिल करी थी ये आ गई यहाँ पे, और इसके प्राइस आ गई सारी चीज़ें। इसी तरह ग्लोबली असाइन ये हर प्रोडक्ट पे ये असाइन हो जाए, ओवरराइड हो जाए, नहीं हमें हर प्रोडक्ट पे नहीं करना था, एक सेलेक्ट फॉर्म एक प्रोडक्ट पे करना था। इसी तरह अगर हम आते हैं दोस्तों इस ये वाले प्लगइन के ऑप्शन पे, एक्सेल प्रोडक्ट ऑप्शन, तो मैं जैसे चेकआउट फील्ड प्लगइन ऐड का वो होता है उसी तरह ये इसका व्यू है कि हमने सेक्शन बना लिया, डिस्प्ले रूल्स कर लिया हमने, सिंपली यहाँ पे क्या करा एक फील्ड बनाई जिसका नाम रख दिया, टेक्स्ट रख दिया, और बुक वन बुक्स, ठीक है दोस्तों। हमने कोई रूल नहीं दिया, रिक्वायर्ड नहीं है ये, और सेलेक्ट इसको नंबर वैलिडेशन में लगाई कोई इसकी हमने, यहाँ से लेबल की ला सकते हैं, वेपर की दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ सिंपली हमने एक ऐड न्यू फील्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड बुक, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसको सेव कर लिया और ये फील्ड हमारे पास एक सेव हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों ये फील्ड यहाँ पे आएगी ऐसे, ये देखना है हमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर, हम प्रोडक्ट में आए दोस्तों अपनी, और प्रोडक्ट को एडिट किया, अब ये देखते हैं ये फील्ड यहाँ पर आएगी कहाँ पे। अच्छा अगर हम कोई प्रोडक्ट व्यू करते हैं दोस्तों, और सेलेक्ट ऑप्शन पे गया तो ये देखिए दोस्तों इससे डायनेमिक ग्लोबली एक डायनेमिक फील्ड हर प्रोडक्ट पे ले आएगा ये, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख के ऐड टू कार्ट कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ व्यू कार्ट में आ जाएगा ये थीम का, थिंक एरर आएगा ही आएगा इसमें। ये देखिए सिंपली आपको कोई भी फील्ड ऐड करानी हो आप यहाँ पे आराम से करा सकते हैं, टेक्स्ट हो गई, हिडन हो गई, नंबर, टेलीफोन, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, मजीद की चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट हो गई, इसी तरह कोई रूल लगाना है प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या उसमें, हाँ स्पेसिफिक कैटेगरी या प्रोडक्ट में शो कराना था वो भी करा सकते हैं आप, ये देखें, ठीक है दोस्तों। देखें जैसे म्यूज़िक है, म्यूजिक में हमने ये फील्ड ऐड करा दी, टेक्स्ट और रख दिया वेबसाइट, इन दोनों का नाम ये रख दिया दोस्तों, और हम सिंपल ये अगर ऐड न्यू फील्ड कर दिया एक फील्ड ऐड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और हम म्यूजिक वाली कैटेगरीज में जाएंगे दोस्तों प्रोडक्ट के अंदर, और कोई प्रोडक्ट वहां पे खोलेंगे, फिल्टर करा हमने इनको, और कोई प्रोडक्ट खोल ली तो यहाँ पे वो फील्ड हमारे पास आ जानी चाहिए। ये देखिए दोस्तों तो ये स्पेसिफिक किसी कैटेगरी में आ रही होगी, और वो हमने ग्लोबली कराई थी जो कि बुक वाली, वो आ रही है। अब मैं अगर कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसके अंदर वो ये वाली फील्ड वेबसाइट की नहीं आनी चाहिए, लाइक दैट ये हमने डिकोर का खोला तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस कैटेगरी में ये फील्ड नहीं आ रही है, और
इसमें हम फील्ड रिमूव भी कर सकते हैं, सेक्शन भी बना सकते हैं पूरा इसका। ठीक है, कि हमने जैसे सेक्शन बना लिया, हमने दे दिया सेक्शन वन। ठीक है, क्लास हमने कोई नहीं दी, क्लास से दी सेक्शन मेन। ठीक है दोस्तों, कॉल हमने रख दिया कॉल डैश फोर, टाइटल रख दिया डिटेल्स, कुछ नहीं दिया इसको, और इसको हमने सिंपल सेव कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, आई डी मस्ट बी बिगिन विद अ लोअर केस, व्हाट टाइप ऑफ आई डी, आई डी मस्ट बी नेम विद अ लोअर केस। कौन सी आईडी की बात कर रहा है, सही। सेव होना चाहिए, वो अंडरस्कोर नहीं लगा था इस वजह से वो नहीं उठा रहा बस। तो हमने सेव कर लिया बैनी के अंदर दोस्तों, ये हमारे पास ये आना चाहिए कैटेगरी इंडिया रियली बैनी, प्रोडक्ट ही सॉरी, प्रोडक्ट है बैनी। बैनी प्रोडक्ट थी दोस्तों, जो कि इसके अंदर हमारे पास सेक्शन आ जाना चाहिए। ये वाली प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसके ऊपर कोई सेक्शन नहीं बना। योर चेंजेस आर नॉट ड्यू टू एन एरर, ओके हम दोबारा सेक्शन बनाते हैं और सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन रख देते हैं यहाँ पे, और ये डिस्प्ले रख दिया हमने प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल्स टू करा, और यहाँ पे हमने क्लोथिंग अंदर ये सेट कर दिया, और सेक्शन दे दिया डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स, सही है, और सेव करा दिया। इसको सेव हो जाना चाहिए दोस्तों। और अब हम आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट के अंदर क्लोथिंग की थी कैटेगरी, तो ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी को ही प्रोडक्ट होगी, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर वो सेक्शन ऐड होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आई थिंक सेक्शन ऐड हुआ है, आई डोंट थिंक सो। न्यू सेक्शन एडिट, वेयर एडिट, डोंट नो। अच्छा ये ऐड हुआ है, सही सही, अब समझे दोस्तों। ये कि ये यहाँ पे एडिट बना रहा है कि आप यहाँ पे टैब्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स को, तो इस वजह से ये सेक्शन यहाँ पे इसने बना दिया। ये फ्रंट पे सेक्शन नहीं आएगा, फ्रंट पे ऐसे फील्ड ऐड होंगी यहाँ पे, जैसे कि ये बता रहा है कि आपको कैटेगरी देनी है प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए। आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह।